Hello everyone, welcome to the second day of Wayanad trip. Today we are going to visit Suchipara waterfall. चलो फिर चलिए. सुचीपरा waterfall की जो height है वो 200 मीटर की है और एक दिन में मैक्सिमम 1200 लोग ही अलाउड हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. अगर आप 1200 के बाद आते हो तो आपको waterfall देखने को नहीं मिलेगा. तो आप अगर वाटरफॉल देखने में इंटरेस्टेड है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा. और यहाँ के अगर टिकट की बात करें तो अडल्ट की टिकट 65 रुपीज़ की है, स्टूडेंट 33 रुपीज़, फॉरनर उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो हम लूट सकते हैं 130 रुपीज़, स्टिल कैमरा 53 और वीडियो कैमरा 301 रुपये. मुझे 1 रुपये का भी लॉजिक समझ नहीं आता क्या है, बट हाँ जो भी है 301 रुपये लेते हैं. जब आप सुचीपरा वाटरफॉल पे जाएं तो मेक श्योर करिए कि आपके पास कैश हो. ना तो वहाँ पे UPI चलता है और ना ही ATM चलता है, तो मेक श्योर करें कि आप कैश लेके जा रहे हैं साथ में. और अगर मैं ट्रैक की बात करूँ तो ट्रैक बहुत ही क्लीन है, जो भी रोड है ट्रैक के लिए बहुत क्लीन है. कुछ कुछ जगह पे स्टेप हैं और कुछ कुछ जगह पे थोड़े से पत्थर रखे हुए हैं. जब आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं तो आप अपनी पानी की बोतल जरूर कैरी करिए. रास्ते में एक जगह पे पानी का प्रोविज़न है बट उस पानी की क्वालिटी क्या है वो हमें नहीं पता. जब आप ट्रैक के बिल्कुल एंड में पहुंचने वाले होते हैं तो जो स्टेप हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और साथ में गीले भी हो जाते हैं, क्योंकि जो भी लोग वाटरफॉल से नहा के बाहर आ रहे होते हैं उनके पानी से वो स्टेप गीले हो जाते हैं. इस वजह से जो ट्रैक है थोड़ा मुश्किल लगने लगता है. अगर हम सुचीपरा का मतलब समझने की कोशिश करें तो इसको दो वर्ड में ब्रेक करना पड़ेगा. पहले तो सुची और परा. सुची का मतलब होता है नीडल और परा का मतलब होता है रॉक्स, पत्थर. तो पत्थरों से निकलती हुई नीडल, और लिटरली ये एक नीडल की तरह ही लग रहा था क्योंकि पानी जब ऊपर से गिर रहा था उसका करंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था. मुझे नहीं पता कि लोग उसके नीचे कैसे आ रहे थे बट बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ पानी नीचे गिर रहा था. हम लोगों ने आधा घंटा वहाँ पे बैठा, इन्जॉय किया, वाटरफॉल को गिरते हुए देखा, उसकी साउंड सुनी जो कि बहुत ही प्लेजेंट थी. हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ वहाँ पे बैठ के. अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो इतना ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे रॉक्स के ऊपर मत चढ़िए. मैंने कुछ लोगों को वहाँ से गिरते हुए भी देखा क्योंकि वहाँ पे रॉक्स पानी के अंदर रहती हैं तो वो थोड़ी स्लिपरी हो जाती हैं. लोग इतना ध्यान नहीं रख रहे थे, उनको सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट पड़ा हुआ था, तो काफ़ी लोग गिरते हुए भी देखे मैंने वहाँ से. वायानाड में बाली लाइक स्विंग भी बहुत ज़्यादा फेमस है. आपको काफ़ी जगह पे ये स्विंग देखने को मिल जाएंगी. जो मोस्ट फेमस स्विंग है वो 900 कांडी में है, बट आपको सुचीपरा वाटरफॉल के बाहर भी स्विंग मिल जाएगी. ये स्विंग का कॉस्ट मोस्टली 200 से 300 के अंदर रहता है. सुचीपरा वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग लॉन्गेस्ट जिप लाइन पे पहुंचे. वहाँ पे दो फेमस एक्टिविटीज़ हैं, एक तो स्काई साइकिलिंग और दूसरा है जिप लाइन. जो स्काई साइकिलिंग है उसकी कॉस्ट है 300 रुपीज़ और जो जिप लाइन है उसकी कॉस्ट है 450 रुपीज़. बट यहाँ पे अगर आप ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आपको सुबह बहुत जल्दी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचोगे तो 3 से 4 घंटे की वेटिंग होती है. टी स्टेट्स के ऊपर से ऐसे जिप लाइनिंग करते हुए जाने में बहुत ही मजा आता है. अगर
आप एड्रेनलिन जंकी है तो ये आपकी लिस्ट पे सबसे ऊपर होना चाहिए। जिप लाइन के बाद हम लोग पकौड़े लेक गए। अगर मैं पकौड़े लेक में जो एक्टिविटीज है उसको समराइज करूं तो यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है, एक बोटिंग के लिए लेक है, फिश स्पा है और जॉगिंग के लिए कुछ ट्रैक बना हुआ है और कुछ शॉप्स है यहाँ पे, आप आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स लेके खा सकते हो। हमें ये जगह बहुत ही एवरेज लगी, हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ एंट्री टिकट आपको इनिशियल काउंटर से लेनी पड़ती है जो कि 40 रुपीज़ थी। उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हो वहाँ पे उसकी अलग से एक फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि बहुत स्पेसिफिक हो वायनाड से, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, हम लोगों ने देखा कि बोटिंग वाली लेक कैसी है। मेरे को लेक भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ज़्यादा सुंदर नहीं लगी, बहुत ही कचरा था वहाँ पे। तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, हम लोगों ने बस यहाँ से थोड़ा खाने पीने को लिया, अपना आधा घंटा बैठे, आसपास देखा, नेचर देखा और उसके बाद हम लोग वापस निकल आए। वायनाड में मोस्टली साइट सीइंग की जगह 6 o'clock तक बंद हो जाती हैं, पर हनी म्यूजियम जो है वो 8:30 तक ओपन रहता है। उसके बाद हम लोग हनी म्यूजियम देखने गए। तो जो ये हनी म्यूजियम है ये काफ़ी बेसिक है, यहाँ की एंट्री फीस अराउंड 40 रुपीज़ है। आपको उसके बाद वो लोग पूरा ज्ञान देते हैं कि हनी कैसे बनता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ विजिट कर सकते हो, पर ये कोई ओवर द टॉप जगह नहीं है, बहुत ही बेसिक जगह है। यहाँ पे आप हनी खरीद सकते हो, क्रश खरीद सकते हो, फ्रूट क्रश खरीद सकते हो और काफ़ी और भी सामान है जो आप खरीद सकते हो। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे 40 रुपीज़ की एंट्री फीस देकर ज्ञान इकट्ठा किया। ज्ञान लेने के बाद हम बोर हो गए और हम लोगों ने विजिट किया इनकी शॉप, जहां से हम लोगों ने फ्रूट क्रश वगैरह देखे। और साथ ही में इनकी शॉप के बाहर ही एक भैया है जो कि मोहितो बना के देते हैं, उन फ्रूट क्रश से हम लोगों ने पैशन फ्रूट टेस्ट किया और एक जामुन टेस्ट किया। जामुन बहुत ही बेकार बनाया था भैया ने, मीठा कर दिया था इतना हनी डाल के, मुझे लग रहा है ये हनी की पब्लिसिटी कर रहे थे। बट ओवरऑल ये जगह काफ़ी अच्छी है, मोहितो वाली, कुछ कुछ मोहितो काफ़ी अच्छे थे, पैशन फ्रूट वाला काफ़ी अच्छा था। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। चलो ये ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में कुछ नए एडवेंचर, नई एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।